सो वेलकम पीपल, नाउ दिस इज योर विजय हेयर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल में। एंड ऑल आई नो दैट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आई होप आप सभी ठीक होंगे। और हम क्लास 12th की वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर 3rd कर रहे थे। आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पार्ट 2 है, यानी कि हम जानने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से हिजमनी के बारे में, वर्चस के बारे में। वीडियो के पहले पार्ट में हमने काफ़ी हद तक आपको इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करी थी, साथ में ये भी बताने की कोशिश करी थी किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है। ये वीडियो का दूसरा पार्ट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जिस बच्चे ने पहला पार्ट देखा होगा उसको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने क्या कहते हैं चैप्टर की चीज़ों को एनालाइज करते हुए कहा था कि हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलेंगे। सो नाउ अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आ चुके हैं, और वीडियो के दूसरे पार्ट में इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आप जानने की ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका अपने वर्चस्व को, अमेरिका अपने पावर को, अमेरिका अपने डॉनगिरी को दिखाने की कोशिश करता है, वो हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ YouTube चैनल के अलावा Facebook पेज पे, Telegram पे नोट्स के लिए, और साथ में आप हमारे साथ Instagram पे जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे चैनल से रिलेटेड होती है, एजुकेशन से रिलेटेड होती है, वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो दैट इज़ वाई मैं यही कहूँगा कि आप इनके साथ ज़रूर जुड़ेगा और वहाँ पे हमें ज्वाइन करके हमें मैसेज ज़रूर करिएगा कि हमारा रिस्पांस जो है वो कैसा रहता है, आपको हमारे एजुकेशन पढ़ाने का तरीका किस तरीके से पसंद आता है, वो सारी चीज़ें। सो लेट मी स्टार्ट बाय दिस ऑपरेशन। आप सभी को पता होगा कि वीडियो के पहले पार्ट में हमने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लिखवाया था। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करा कि सर ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, वो भी ज़रूर बताइए। असल में क्योंकि ये अमेरिका के अंदर ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, अमेरिका के मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, तो इनका ट्रांसलेशन कोई हिंदी में नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं बच्चों, तो आपको इंग्लिश हिंदी मीडियम में भी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ही लिखा होगा। सो इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं है, तो आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके बारे में हमने वीडियो के पहले पार्ट में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द इनफाइनाइट रिच, उसके बाद एंड्यूरिंग फ्रीडम, एंड देन उसके बाद इराकी फ्रीडम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो का दूसरा पार्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें हम तीनों ऑपरेशंस को जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन ऑपरेशन के थ्रू किस तरीके से अमेरिका ने अपनी शक्ति को दिखाने की कोशिश की होगी। ओके, सो आई होप ऑल यू सेट, आप सभी को अब समझ में आ गया होगा, एक गाइडलाइन मिल गई होगी आपको कि इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस होगा। सो सबसे पहले अगर आपको याद हो जो क्या कहते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध, जिसे आप फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध, वो किसके टाइम पीरियड पे लड़ा गया था? वो लड़ा गया था जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो इनका कार्यकाल लगभग 1989 से 1993 तक था। अब 1993 तक था और वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया, तो अमेरिका की जनता क्या लगता है आपको खुश हो जाएगी? आपको क्या लगा कि क्या कहते हैं सांबा खुश हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। अमेरिका की जनता बेसिकली बहुत डीपली समझती है, मतलब हमारे भारत के अंदर इलेक्शन के टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो मोदी को वोट मिल जाते हैं और जनता को लगता है वाह 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 कितना अच्छा किया है, लेकिन उसके पीछे की पॉलिटिक्स जनता को नहीं पता होती है। ऐसा ही सेम इस टाइम पीरियड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1992 के टाइम पीरियड पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चला के प्रथम खाड़ी युद्ध जीता था, और यहाँ पे इन्हें लगा कि जनता मेरे इस काम से खुश होगी। लेकिन अमेरिका के अंदर इसका बिल्कुल ऑपोजिट देखने को हमें मिला। हुआ ये कि ये 41 प्रेसिडेंट जो अमेरिका के बने थे, इनको इलेक्शन में, जो इलेक्शन वहाँ पे हुआ उस टाइम पीरियड में, उनमें इनको करारी हार देखने को मिली। ओके, तो यहाँ पे क्लिंटन का दौर चालू होता है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे इनका कार्यकाल ख़त्म होता है और नया दौर चालू होता है बिल क्लिंटन का। तो जनवरी 1993 से 2001 के बीच में जो बिल क्लिंटन है वो थे। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है जानना, आपको ज़रूरी जानना ये हो जाता है कि जब बिल क्लिंटन का दौर आया तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, और अगर जॉर्ज डब्ल्यू बुश अगर इलेक्शन में हारे तो क्लिंटन ने ऐसे काम क्या करे जिस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे कि वो इस टाइम पीरियड पे इलेक्शन जीत जाते हैं। तो बहुत ही अजूबा है, ये हमारे भारत के बिल्कुल अपोजिट में है। तो इस तरीके से हुआ क्या, यहाँ पे क्लिंटन ने एक चीज़ कहा, क्लिंटन ने कहा कि जिस तरीके से हमारा खुद का क्या कहते हैं यूएस जो है
वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जूझ रहा है। तो इस तरीके से हमें जो बाहरी आंतरिक मामले जो होते हैं ना, आंतरिक इंटरनल अफेयर जो होते हैं, यहाँ पे ड्यूरिंग दिस एरा इट वॉज बिलीव दैट US हैज विड्रोल इट्स इंटरनल अफेयर एंड इट वॉज नॉट फुली एंगेज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ऐसा ये कहा गया क्या कहते हैं बिल क्लिंटन के द्वारा, उन्होंने कहा कि हमें अपने इंटरनल मैटर पे फोकस करना चाहिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो क्या कहते हैं आपके इंटरनल अफेयर जो मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो बाहर की कंट्री के मुद्दे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, अपनी कंट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको संभालने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जो आपके बिल क्लिंटन थे उन्होंने बाजी मारी और इन्होंने सॉफ्ट इशू यानी कि नरम मुद्दे जो थे उन पे फोकस करने की कोशिश करी। नरम मुद्दे कौन से, कि डेमोक्रेसी का प्रचार किया जाएगा, उसके साथ क्लाइमेट चेंज की जो बातें हो रही हैं उन पे फोकस किया जाएगा कि क्लाइमेट की चीज़ों को कैसे सुधारा जाए। उसके साथ फिर यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड से जो रिलेशन होगा, वर्ल्ड ट्रेड रेदर देन ऑफ मिलिट्री पावर एंड द सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कि हम लोग वर्ल्ड ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हम मिलिट्री सिक्योरिटी इन सब चीज़ों पे तो वैसे ही बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, अगर हम उन्हीं को ही मजबूत करते रहेंगे तो हमारे बिजनेसेस जो दूसरी कंट्री से व्यापार बिजनेस हमें मिल सकता है वो नहीं होगा। इस तरीके से ऐसे सॉफ्ट इशू के ऊपर बिल क्लिंटन ने फोकस करा। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है जो बिल थे हमारे बिल और साथ में हमारे जो बुश थे, बिल और बुश में दोनों में अंतर था, ये एच डब्ल्यू बुश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, विलियम बुश बोला जाता है और इसे बिल क्लिंटन। तो ये बिल क्लिंटन कौन सी पार्टी के थे, ठीक है, और ये कौन सी पार्टी के थे, ये आपको थोड़ा ढूंढना है और मुझे कमेंट करके बताना है। जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी रीजनल पार्टियाँ होती है, लेकिन यहाँ पे बिल क्लिंटन कौन सी पार्टी के थे और साथ में जो जॉर्ज बुश थे, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश थे, वो कौन सी पार्टी के थे, ये आपको थोड़ा सा ढूंढ के कमेंट करके बताना है। ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप कितना सीरियसली इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्लिंटन ने नरम मुद्दों की तरफ फोकस करा और ऐसा कहा जाता है कि 1993 के बाद का जो दौर था वो क्लिंटन का दौर था और क्लिंटन ने 2001 तक आप देख सकते हो, दूसरा इलेक्शन भी 1998 में हुआ था, यही जीते थे और इन्होंने क्या क्या चीज़ें करके दिखाई वो हम अब फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला यहाँ पे था कोसोवा प्रांत, कोसोवा आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कोसोवा प्रांत है, बहुत बुक में बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कोसोवा प्रांत, वहाँ पे ज़्यादातर अल्बानी एक आबादी थी, आप देख सकते हो अल्बेनियाई आबादी जो थी, पॉपुलेशन का कम से कम कोसोवा के अंदर 2-3 बिलियन पॉपुलेशन वहाँ पे राज करती थी, जिसमें से कोसोवा के अंदर 1 बिलियन समथिंग क्या कहते हैं 2011 के अंदर इनकी आबादी जो है वो देखी गई थी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कोसोवा प्रांत के अंदर अल्बेनियन करके जो आबादी थी वो सबसे ज़्यादा रहा करती थी, यहाँ पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म दोनों को ही माना जाता था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये जो कोसोवा प्रांत है वो इसका पार्ट था, वो युगोस्लाविया का पार्ट था और वो युगोस्लाविया से अलग होना चाहती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोसोवा वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो ये युगोस्लाविया का हिस्सा था, युगोस्लाविया कंट्री थी ये पूरी की पूरी, और यहाँ पे युगोस्लाविया के अंदर से कोसोवा प्रांत जो है वो अलग होना चाहता था। तो कोसोवा प्रांत की कैपिटल क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो कोसोवा प्रांत की कैपिटल क्या है उसको भी फाइंड आउट करके हमें बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे कोसोवा प्रांत में एक ग्रुप था, उन्होंने कहा कि हम अलग होना चाहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका ने फिर दोबारा इंटरनेशनल मुद्दे पे जाते हुए, क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश हार गए हैं और क्लिंटन जीत गए हैं, तो अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने अकेले कुछ नहीं उखाड़ा, उन्होंने नाटो के साथ अलायंस कर रखा था, आपको पता है 1949 के अंदर नाटो के साथ उन लोगों ने संधि कर रखी थी कि वन अटैक इज इक्वल टू ऑल अटैक। तो यहाँ पे हुआ क्या, युगोस्लाविया की आप देख सकते हो, युगोस्लाविया के ऊपर बमबारी करी गई, युगोस्लाविया पे लगभग 2 महीने से अधिक बमबारी करी गई और आप देख सकते हो कि 24 मार्च से लेके 10 जून तक 78 डेज तक यहाँ पे बमबारी होती रही, और 78 डेज तक जब यहाँ पे बमबारी होती रही तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नाटो की सेना, कोसोवा प्रांत की सेना और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में युगोस्लाविया, नाटो और कोसोवा प्रांत की आर्मी आपस में लड़ रही थी, मतलब मिलके लड़ रही थी किसके, युगोस्लाविया के खिलाफ।
तो उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हो अलग अलग जगहों के अलग अलग उस समय पे कमांडर थे। नाटो के ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे एयरक्राफ्ट 1000+ थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन आपको जानना बस इतना सा ये है कि यहाँ पे पूरी तरीके से कोसोवा प्रांत जो है वो हार कोसोवा प्रांत जीत गया, और यहाँ पे उस समय पे युगोस्लाविया के जो हेड थे स्लोबोदन मिसलोसिक, जो भी इनका नाम है भाई, ठीक है, इन्होंने उस समय पे क्या कहते हैं सरकार की, इनकी सरकार जो थी वो गिर गई, और देन फाइनली यहाँ पे कोसोवा प्रांत जो था वो जाके आप देख सकते हो आज़ाद हो गया। कब आज़ाद हो गया? 2008 के अंदर, यानी कि अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है। तो आप देखेंगे ज़्यादा साल की बात नहीं है और कोसोवा प्रांत जो है वो अलग हो गया, आज़ाद हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि युगोस्लाविया जो कभी इतना बड़ा स्टेट या इतना बड़ी कंट्री हुआ करते थे, उन कंट्रियों में से लास्ट 2018 के अंदर भी एक कंट्री निकली थी, क्या 2008 के बाद भी कोई कंट्री युगोस्लाविया के अंदर से निकल के आज़ाद हुई थी? अगर आज़ाद हुई थी तो फाइंड आउट करिए, वो आपके वर्ल्ड लेवल के जो इश्यूज़ होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं इन फ्यूचर में, तो यहाँ से आपका थोड़ा बेस बन जाएगा। अब यहाँ से दूसरा एक ऑपरेशन और स्टार्ट होता है, वो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। इनफाइनाइट रिच क्या था अगर आप देखें तो, इनफाइनाइट रिच में, अब देखो ये भी इन्हीं का दौर है, ये कब की बात है, 1998 की बात है। क्यों बात है 1998 की, तो 1998 में अगर आप देखें तो इस टाइम पीरियड पे बिल क्लिंटन का दौर था। तो हुआ क्या था, हुआ ये कि यहाँ पे बमबारी हो गई, बॉम्बिंग हो गई, कहाँ हो गई, यूएसए की एम्बेसी पे। एम्बेसी क्या होती है भाई, एम्बेसी आप सिंपल सी समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में आप रहते हैं, और आप कहीं मान लीजिए कि आप साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, अगर साउथ अफ्रीका आप किसी कामकाज के लिए चले जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसे दूतावास होते हैं, दूतावास जो होते हैं वहाँ पे, वो दूतावास स्पेशली इंडियंस की मदद करते हैं। तो ऐसे हर जगह पे होते हैं जहाँ पे रिलेशन अच्छा होता है हर कंट्री का, वहाँ पे एम्बेसियाँ बनाई जाती है। तो यहाँ पे यूएस की एम्बेसी कहाँ की, यूएस की एम्बेसी कहाँ पे थी, यूएस की एम्बेसी एक तो केनिया के अंदर थी और एक तंजानिया के अंदर थी। ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में आता है। तो केनिया का जो क्या कहते हैं प्लेस था वो नरोबी था, यानी कि नरोबी के अंदर एम्बेसी थी अमेरिका की। दूसरा तंजानिया के अंदर दरुसलाम, ये वो प्लेस थी जहाँ पे एम्बेसियाँ पाई जाती थी। तो हुआ ये कि 1998 के अंदर बमबारी हो गई और अमेरिका को ये लगा कि हम पर हमला, इसका मतलब हमारी एम्बेसी पे हमला, इसका मतलब ये है कि हमारे लोकतंत्र पे हमला या हमारे शक्ति पे हमला, हमारे वर्चस्व पे हमला। दैट इज़ वाई यहाँ पे अमेरिका रुका नहीं, अमेरिका ने कसम खा ली कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे और हम इसको ढूंढ के मारेंगे जो बंदा क्या कहते हैं होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे करके कि उन्होंने कहा कि हम बदला ज़रूर लेंगे। इसलिए हुआ क्या कि यहाँ पे आप देखेंगे अगस्त 20, 1998 में हुआ ये कि अफ़गानिस्तान और सूडान, ये दोनों जो थे उनको क्या कहते हैं जिम्मेदार माना गया। किन किन को माना गया, अलकायदा को माना गया, अलकायदा जो थी अफगानिस्तान के अंदर थी, सूडान थी, और यहाँ पे हरकत उल मुजाहिदीन, और उसके बाद लश्कर ए तैयब, ये ऐसे क्या कहते हैं उस समय पे मिलिटेंट थे या ऐसे क्या कहते हैं टेररिस्ट ग्रुप थे जिनको इस बमबारी का जिम्मेदार मानते हुए उनके इलाकों को ढूंढा गया। और ढूंढने के बाद यहाँ पे आप देखते हो कि अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया, और इनफाइनाइट रिच चलाने के बाद अफगानिस्तान में अलकायदा के ग्रुप को एक ठिकानों पे क्रूज मिसाइलों से अटैक कर दिया। ये क्रूज मिसाइलें वही मिसाइलें थी जो उस टाइम पीरियड पे अगर आप देखेंगे तो हिरोशिमा नागासाकी पे डाली गई थी। तो सोचिए, मतलब यहाँ पे अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमसे जो बैठेगा वो घर बैठेगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अमेरिका ने यूएनओ की कोई परवाह नहीं करी। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए कि अलकायदा और क्या कहते हैं अफगानिस्तान और सूडान के ऐसे मुजाहिदीन ताइब और क्या लश्कर ए तैयब और अलकायदा ऐसे समूह को अगर ढूंढ के मारने की कोशिश भी की जा रही है, तो क्या उन्होंने कभी यूएनओ से परमिशन ली थी? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं,
तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर। लेकिन आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे उन्होंने यूएनओ से किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली, और अगर इन लोगों ने अलकायदा में और अफगानिस्तान और सूडान के अंदर ऐसे टेररिस्ट ग्रुप के ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक भी कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे आम आदमी जो नॉर्मल पर्सन थे वो नहीं मारे गए होंगे? तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अमेरिका से ऐसे कोई भी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ से भी दिखाता है यूएसए की हिजमनी को। ओके, तो ये कब की बात हो गई? ये बात हो गई 1998 की। नाउ अब यहाँ पे स्टार्ट होता है 9/11 अटैक, 2001 का अटैक। अब यहाँ पे आपको जानना है कि 1993 से लेके 2001 तक किसका टाइम पीरियड था? टाइम पीरियड था आपका क्या कहते हैं जो भी अभी बिल क्लिंटन देखा, लेकिन दोबारा से इलेक्शन होता है और इलेक्शन के होने के बाद अब बिल क्लिंटन नहीं रहते हैं, अब नए हेड आ जाते हैं। नए हेड कौन से आ जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नए हेड आते हैं हमारे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज एच देख सकते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये उन्हीं के ही क्या कहते हैं सुपुत्र होते हैं। वो 43 नंबर पे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं। अब इस टाइम पीरियड पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश इलेक्ट होके आते हैं। वो कब इलेक्ट होके आते हैं? जनवरी 2001 से 2009 तक सत्ता में रहते हैं, पावर में रहते हैं, और उसके बाद इन्हीं के बाद ही बराक ओबामा आपको देखने को मिलेंगे, जो आपने बराक ओबामा के बारे में आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश के अलावा जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में हुआ क्या? कार्यकाल में ये हुआ कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में कि यहाँ पे पूरी तरीके से 4 अमेरिकी कमर्शियल एयरक्राफ्ट, यानी कि आप देखेंगे 4 अमेरिकी वाणिज्य विमान यानी कमर्शियल एयरक्राफ्ट, उसका अपहरण कर लिया जाता है। और आप देखेंगे ये 11 सितंबर 2001 में किया जाता है, क्योंकि सितंबर 9वां महीना होता है, 11 तारीख को अटैक हुआ था। इंग्लिश के अंदर महीना पहले लिखा जाता है, तारीख बाद में लिखी जाती है, इसलिए 9/11 की घटना कहा जाता है। वर्ल्ड के लेवल में ये अमेरिका की पावर के मुंह पे तमाचा था कि यहाँ पे जिस तरीके से 4 विमानों को, अमेरिका के 4 विमानों को 19 किडनैपर्स के द्वारा, 19 किडनैपर्स के द्वारा इसको हाईजैक कर लिया जाता है, और हाईजैक करने के बाद यहाँ पे अमेरिका की इंटेलिजेंसी कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाती है कि यार ये कैसे कर दिया इन लोगों ने। सो इसी को ही 9/11 की घटना के नाम से पुकारा जाता है। और आप देखेंगे जो 4 हवाई जहाज, जो 4 एयरक्राफ्ट जो थे, जो क्या कहते हैं वो उठा लिए गए थे, वो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैपिटल यहाँ पे अटैक करा गया, 2 विमान जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करे गए, और एक रक्षा संपदा क्या कहते हैं बिल्डिंग थी वहाँ पे अटैक करना था, और चौथा जो था वो किसी कारणवश टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से पेंसिल्वेनिया के खेतों में जाके गिर गया था। तो इस वजह से पेंसिल्वेनिया आप देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे गिर गया था। और 4 जो विमान थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं घातक थे। इसमें से एक इसके ऊपर गिरना था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैपिटल के अंदर गिरना था, लेकिन किस्मत वाली बात है कि इस पर गिरा नहीं, और वो पेंसिल्वेनिया जो जहाज़ था वहाँ, मतलब जहाज़ जो था पेंसिल्वेनिया खेतों में गिर गया। सबसे बड़ी बात ये कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जैसे आप WTC बोलते हैं, WTC, ये पूरी तरीके से एक जहाज़ यहाँ से आया टकरा गया और एक जहाज़ यहाँ से आया टकरा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत हज़ारों लोगों की जान गई। अब यहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कसम खा ली कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अमेरिका ने कहा कि ये तो डायरेक्टली हमारे ऊपर हमला है, सब जब सोचिए कि हम लोग एम्बेसी, हमारे एम्बेसी पे कोई अटैक कर देता है तो हम उसे जीने नहीं देते हैं। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे ऑपरेशन क्या चलाया गया, एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये नाम है, ठीक है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया, कोडेड नेम होते हैं। और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम करने के बाद इन्होंने ये कहा कि ग्लोबल टेरर, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल टेरर को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा। तो इसमें इंडिया ने भी कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें ग्लोबली टेररिज्म को ख़त्म करना है तो इंडिया आपके साथ है, दिल से साथ है, सर से लेके चोटी तक, सर की चोटी से लेके
पैर की एड़ी तक आपके साथ है और हम पूरी तरीके से टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए साथ में आएंगे। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2001 की बात हो रही है, ठीक है, 2001 की बात हो रही है। अब यहाँ पे हुआ क्या हुआ, ये कि इस ऑपरेशन को चलाने के लिए ऑपरेशन क्या कहते हैं एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया, और जहाँ पे भी तालिबानी और साथ में अलकायदा के ग्रुप्स हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ के अटैक किया गया। लेकिन उनका वही हेड मिल नहीं पा रहा था। जब हेड मिल गया तो हेड मिलने के बाद वहाँ पे अमेरिका ने कहा कि ये जब तक चलेगा, ये क्या कहते हैं एंड्यूरिंग फ्रीडम, जब तक इनके सारे लोगों को ढूंढ के नहीं मार दिया जाएगा। तो आप नोटिस करें कि ऑपरेशन 2001 में तो चलाया गया था, लेकिन ये ऑपरेशन मात्र 2002 या 2003 या 2004 तक ही नहीं चला, ये आगे तक चला। मतलब देख सकते हो यहाँ से अमेरिका ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमसे जो बैठेगा वो घर बैठेगा। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इनके कार्यकाल ख़त्म होने के बाद भी जब बराक ओबामा आ जाते हैं तो उन्होंने भी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को ख़त्म नहीं करा। देखो हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो पिछली पार्टी अच्छा काम करती है वो काम अच्छे काम को रद्द कर देती है पार्टियाँ, और अपनी पार्टियाँ जब नहीं आती तो अपनी नई पॉलिसीज लेके आ जाती हैं। तो ये बिल्कुल गलत था, जो अमेरिका के अंदर नहीं होता है ऐसा, क्योंकि वो अपने देशभक्त अपने देश हित के बारे में सोचते हैं। और सरकार ने क्या करा, बिना जानकारी के बहुत इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां करनी चालू कर दी। और गिरफ्तारियां जो चालू करते थे वो लोग आप देखते हो कि 2001 अक्टूबर में चलाया गया था, 2014 में जाके लगभग 13 साल तक ये ऑपरेशन चलता रहा। अब आप नोटिस करें कि ये कितने ज़्यादा मतलब खूंखार थे कि अमेरिका ने कहा कि भैया हम जब तक तुम्हें क्या कहते हैं ऐठेंगे नहीं, जब तक तुम्हें मारेंगे नहीं, जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, जब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो आप देखेंगे कि हुआ क्या। अब यहाँ पे आपको गुवंत बेना करके एक जगह दिखाई दे रही हो, गुवंत बेना ये दिखाई दे रही है ना, ये क्यूबा एक आइलैंड है। अगर आपको याद हो मैंने पहले चैप्टर में बताया हुआ था कि अमेरिका यानी कि यूएसए जो था वो कभी मतलब काफ़ी साल पहले यूएस क्यूबा को अपनी क्या कहते हैं ग़ुलाम बना के रखा हुआ था। वो तो फिर ये आज़ाद हो गया था, फिर हमने देखा कि कैसे यूएसएसआर के साथ आ गया था। लेकिन आज भी गुवंत बेना एक जो जगह है वो आज भी अमेरिका के अंडर में आती है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो अमेरिका गिरफ्तारियां करता था, जिन पे भी शक होता था अमेरिका को कि तुम्हारी वजह से ये हमला हुआ है और तुम इसके पीछे इसके कारण हो, तो इसीलिए हुआ होता ये कि अमेरिका उनको उठा के ले आता है और ऐसी जेल में बंद कर देता है जो किसी भी सरकार को किसी भी मुल्क को पता नहीं थी। तो गुवंत बेना एक तरीके की काला पानी की सज़ा है। अगर आपने न्यूयॉर्क मूवी देखी हो तो आप ये देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पे जॉन अब्राहम को एक सिर्फ शक की निगाहों से उठा लिया जाता है। इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश करी गई है, और इस फिल्म का गाना बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो गाना भी। तो ये फिल्म के थ्रू दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जज्बा जो कहीं ना कहीं अमेरिका का जज्बा दिखाई देता है वो इसके अंदर है। ओके, तो ये गुवंत बेना आप देख सकते हो गुप्त जेल है जहाँ से लोगों को हिरासत में लाया जाता था, और ये मैंने सब आपको बता दिया। देन फाइनली यहाँ पे हुआ क्या, जो पहले अलकायदा के हेड माने जाते हैं उन्हें फाइनली क्या कहते हैं ढूंढ लिया गया। और ढूंढने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा घर था उनका। अच्छा, ये कहाँ पे ढूंढा गया था, कौन सी कंट्री के अंदर ये जगह थी, अगर आपको पता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। देन फाइनली ढूंढने के बाद पूरी तरीके से रातों रात इस जगह पे अटैक किया गया, और अटैक करने के बाद उसामा बिन लादेन वल्ले वल्ले इसको ढूंढ ढांढ के मारा गया। मारने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे इसकी 3 बीवियां इसके साथ रह रही थी। तो बहुत ही अजीब सी कहानी है, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं हम इतना ही करेंगे इस क्लास के अंदर। अगली क्लास के अंदर हम इराकी इन्वेजन देखेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। उसामा बिन लादेन जी की हाइट कितनी थी, उसको ढूंढने के लिए रस्सी का इस्तेमाल कराया गया कि भाई ये असल में यही उसामा बिन लादेन है या नहीं, तो ये बिल्कुल न्यूज़ में सारी चीज़ें दिखाई गई थी। और उस टाइम पे इंची टेप तो था ही नहीं, तो हाइट नाप के, हाँ इसकी हाइट काफ़ी लंबी थी इस बंदे की, तो वो चीज़ें मिली हमें। तो ठीक है, तो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। अब मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, ताकि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहें। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।